इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू कैलकुलेट द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एच एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे cos ऑफ एच एक्स होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए so, cos ऑफ एच एक्स होता है इट इज इक्वल टू e रेस्ट पावर एक्स प्लस e रेस्ट पावर माइनस ऑफ एक्स बाय 2 तो अगर हम यहां पे पुट कर देंगे इस वैल्यू को तो लिमिट क्या, क्या? क्या हो जाएगी हमारे पास में लिमिट हो जाएगी लिमिट 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फिर आएगी इक्वेशन क्या 2 टाइम्स ऑफ क्या हो का अपॉन में क्या है हमारे पास में x square, में अपॉन की whole power 1 by x square. तो अगर हम देखेंगे ये क्या है हमारे पास में ई रिस्ट पावर एक्स किस पे अप्रोच कर रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू रही है हमारे पास में जीरो पे वन प्लस वन बाय टू विच इज वॉट अगर हम इसका बाइनोमियल एक बार एक्सपेंशन एक एक कर लेते हैं तो एक्सपेंशन करने पे लिमिट क्या जाएगी हमारे पास में? लिमिट आ जाएगी x जाएगा टू और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा इ तो रिस्ट पावर एक्स प्लस ई रिस्ट पावर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर है तो अगर हम देखेंगे एकस का तो क्या वन माइनस एक्स प्लस एक्स फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड ऑन तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास में यहां से बचेगा टू प्लस टू एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल तो इन डायरेक्टली

यहां पे सॉरी सॉरी करने से हो जाएगा फॉल्ट ओके okay? तो अगर देखेंगे से से कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जाएगा ई रिस्ट पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस में टू अपॉन सिक्स फैक्टोरियल स्क्वायर एंड ऐसे ही क्या होगा इंक्रीज होता रहेगा लेकिन अगर एक्स हमारा टेस्ट जीरो तो टर्म क्या होगी नेगेजिबल हो जाएगी तो हमारे पास में जो लिमिट आ गई वो क्या ई रेस्ट पावर वन बाई ट्वेल्व के इक्वल सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए रेस्ट पावर वन बाई ट्वेल्व